घर में मछलियाँ कौन लाया? पता है ना ये शाकाहारियों का घर है। इसे अभी के अभी इस घर से उठा और बाहर रख दिया। अगर ये फिश टैंक घर से गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। शुद्ध शाकाहारी लोगों के घर में पहला मांसाहार, अब ये दूषित घर मेरे मालिक के रहने लायक हो गया। अपनी गलती को मानो और माफी मांगो। लगता है कोई शैतानी की है आज इसने, तभी तो मस्का मार रहा है। मैंने कोई शैतानी नहीं की है, बस फिश टैंक से एक मछली खाई है। अरे ये राक्षसी प्रवृत्ति इसमें आई कहाँ से? तू चलेगा मेरे साथ? कहाँ? एक बहुत सुंदर सी जगह। बेटा तुम्हें देखो देखो तुम बिल्कुल ठीक हो ना? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो बा, 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 बा को क्या हुआ? हाँ वो बा मुझे मंदिर ले जा रही थी, मैंने मना किया तो वो क्या बताओ? मुझे बस मंदिर नहीं जाना, बा को बोलो ना कि मेरे साथ ऐसा जबरदस्ती ना करे, मुझे बहुत डर लगता है। बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी मुझे घर ले चलो। जाएंगे बेटा, हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा माँ से मिलना जरूरी। कहाँ है वो बोलो, कहाँ गई बा? अभी तक होश नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ नहीं रहे हैं, चोट बहुत गहरी है और ऐसे मामलों में डॉक्टर और मेडिसिन एक लिमिट तक ही अपना काम करती हैं। उसके बाद पेशेंट की बॉडी को ट्रीटमेंट पर रिएक्ट करना होता है। पर फिर भी आपको कब तक उम्मीद है? देखिए इस बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता, बाकी काफी कुछ पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है। इंस्पेक्टर जी सर, 24 घंटे नजर रखिए इस आदमी पर और याद रहे मेरी परमिशन के बिना कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान इनसे नहीं मिल सकता है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और जैसे ही इसे होश आता है आप मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी वक्त हो।
आप निश्चिंत रहिए सर, ये हमारी निगरानी में रहेंगे और हमारे रहते कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। मम्मी मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे मंदिर से डर लग रहा है। बेटा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो आओ। माँ कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ माँ कहाँ है? वो मंदिर गए थे बाबा के साथ। मैं तो वही रास्ते से आई, चलो। चिराग, दादी तुम्हें यही लेकर आई थी ना, फिर कहाँ चली गई? माँ, माँ आप जानती हैं आज कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था? आप जानती हैं ना चिराग को पूजा पाठ मंदिर ये सब पसंद नहीं है, तो फिर क्यों किसी को बिना बताए जबरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आई आप? अगर आज भगवान की कृपा नहीं होती ना तो चिराग मेरी गाड़ी के नीचे। आप सुन रही है ना मैं क्या? माँ, माँ देखिए, देखिए मेरी तरफ। माँ आप मुझे सुन रही? देखिए मैं आपकी विद्या। माँ मुझसे बात कीजिए ना। माँ देखिए मेरी तरफ, माँ यहाँ देखिए, माँ। माँ ये हाल किसने किया आपका? ये चोट कैसे लगी? माँ क्या बात है बताइए, आप क्यों चिराग को जबरदस्ती मंदिर में लेकर गए और वहाँ पे उसको अकेला छोड़कर आप यहाँ पे आकर क्यों बैठी? क्या हुआ, क्यों डर रही है आप? चलिए घर चलते। शनाया वो ये मंजुला कहाँ है? मुझे क्या पता बाऊजी, मुझे तो आजकल इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है। काका, सिर्फ काकी बाई नहीं पर विद्या भाभी और चिराग भी घर में कहीं नजर नहीं आ रहे। ताईबाम, आपको कोई कुछ बता कर गया? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। पहले चिराग गायब हुआ था और आज आधा परिवार ही गायब हो गया है। शनाया, मुझे पता है सब लोग कहाँ पे है। ओ। मा? मंजुला, सब ठीक तो है ना? ये बुढ़िया तो दिन ब दिन सर दर्द बनती जा रही है, इस सर दर्द को मिटाने की जरूरत है। ये तो कुछ नहीं बोल रही, तुम ही बता क्या हुआ इसे।
देखा विद्या वो ये चिराग को क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? दादाजी मुझे जबरदस्ती मंदिर ले जा रही थी, मैंने मना किया तो बा मुझे पार से धक्का देने लगी। क्या चिराग बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादाजी, और फिर मैं बहुत डर गया था और बा से हाथ छुड़ा के भागा, मम्मी की गाड़ी के नीचे आने वाला था। मंजुला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? झूठ बोल रहा है ये। आप कोई इसकी बात का यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मंजुला, हमारा चिराग झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि ये हमारा चिराग नहीं है। माँ ये क्या बोल रही है? माना कि चिराग ने आपके साथ मंदिर जाने से इनकार कर दिया, आप उससे नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे बच्चे को पहचानने से इनकार कर दें। माँ, अगर मैं चिराग नहीं हूँ तो कौन हूँ? चुप कर, तू चिराग नहीं है हमारा। ये चिराग नहीं है, इसमें कोई शैतानी सा आया है, यकीन कीजिए ये अपना पोता नहीं है, ना ये अपना पोता है। क्या हो गया है तुम्हें? मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो इसे हवा में तैर रहा था, पेड़ पे चढ़ गया और वो पेड़ पे से गिर गया, उसे कुछ नहीं हुआ, वो खड़ा होके भागने लगा। ये अपना चिराग नहीं है, ये अपना चिराग नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। विद्या, मेरी बात का यकीन कर, मैंने अपनी आंखों से देखा, सच कह रही हूँ मैं। तुम लोग सुन रहे हो, इसे घर से बाहर निकालो। अरे अपने लिए मुसीबत है, ये इसे निकालिए आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। विद्या, मेरी बात का यकीन कर, ये मेरा चिराग नहीं है, ये शैतान है, शैतान। इसे घर के बाहर निकालो, निकाल दे इसे घर के बाहर। बस बहुत हो गया, आप मेरे 5 साल के मासूम बच्चे को कुछ भी बोले जा रही है? आज अपने बच्चे को खोते खोते बची हूँ मैं। आपने चिराग के साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत था। अरे विद्या, ये तेरा चिराग नहीं है, बहुत बड़े पिशाच का साया है, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, बंद कर दीजिए ये सब। अरे विद्या बहू, अगर मैं चुप हो गई ना तो ये हम सबको एक दिन हमेशा के लिए चुप कर देगा। माँ क्या बोल रही है आप? हाँ, मेरे छोटे से बच्चे पे इल्जाम लगाई जा रही है। आपने चिराग के साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत था, मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कर रही है। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है और इसे निर्दोष साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। देखिए, सिर्फ 5 साल का है ये, क्या बिगाड़ सकता है ये किसी का? अरे बच्चा नहीं है ये तो पिशाच है। मेरी बात का यकीन कीजिए आप लोग, ये हम सबको मार देगा। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये हम सबको मार देगा। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते आप लोग? मंजुला चुप हो जाओ। अरे तुम्हें तो बुखार है। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, आप इसकी चिंता कीजिए, वरना हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरी बात का यकीन कीजिए। मंजुला, बात का यकीन क्यों नहीं करते? विद्या हूँ, चिराग को अभी यहाँ से ले जाओ। चिराग चलो यहाँ से।
देखो कैसे खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रहा है। देखो 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 आप लोगों ने देखा, मैं ये बुढ़िया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। भगवान पर बहुत विश्वास है ना इसे, लगता है अब इसे भगवान के पास भेजना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, साथ में लोग सठिया जाते हैं। तुम्हारी बात के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। ए, नहीं नहीं सुनाए भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। अब एक दिन आप भी तो 60 साल की हो ही जाएंगी ना। मैं अपनी नहीं मम्मी की बात कर रही थी। क्या जरूरत थी उस चिराग जैसे नकचड़े बच्चे को मंदिर ले जाने की? याद है ना क्या हुआ था विद्यारंभ के टाइम पर, मुंडन के टाइम पर क्या क्या नाटक किया था उसने। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि उसके ऊपर कोई बुरा साया हो। साया? ऐसे बिगड़ेल बच्चों को ना कान के नीचे 2 लगाना चाहिए, सारे भूत भाग जाएंगे। नहीं नहीं चिराग बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगता है काकी बा को ही कोई ना कोई गलत फहमी हो गई होगी। तुम्हारी काकी बा है, तुम ही जानो। और ये जो चिराग है ना, 5 साल का हो गया तो ये हाल है, 25 साल का होगा पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा। बस कीजिए सनाए भाभी, ये अच्छा लगता है हम इतने बड़े लोग बैठकर एक छोटे से बच्चे की बुराई कर रहे हैं? बच्चा नहीं है वो, नाना है, शैतान का नाना। सनाए भाभी माफ कीजिएगा, मुझे बहुत काम है, जाता हूँ। पड़ा आया चिराग की वकालत करने। लेकिन शनाया तुम, अब तुम चिराग के वकील मत बनो, हस्बैंड हो, हस्बैंड बन करो, अच्छे लगते हो। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम मुझे बता तो सकती थी, एक फोन ही कर देती। मुझे आजकल बाकी बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं उन्हें क्या होता जा रहा है। एक माँ होने के नाते माँ चिराग के बारे में ये सब बोल रही थी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा देवा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर उनको जवाब क्या दूं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, ऐसे में तुम उन्हें जवाब भी क्या दे सकती। लेकिन देवांग मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि माँ ने आखिर चिराग को हवा में लटका हुआ कैसे देख लिया। तुम अभी भी यही बात कर रही हो। देखो सिंपल सी बात है, जब इंसान को हद से ज्यादा अंधविश्वास हो जाता है ना, तो उसे वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। बा को इस तरह से चिराग को मंदिर नहीं लेके जाना चाहिए था, वो भी हमें बिना बताए। मैं अभी उनसे बात करके आता। नहीं देवा, बहुत मुश्किल से वो शांत हुई है, और फिर से चिराग की बात छेड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन विद्या, देवा प्लीज। इधर आओ। ठीक है, लेकिन बब्बू तुम्हें चिराग का खास ध्यान रखना होगा। तुम 1 मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर मत होने देना। हम नहीं जानते विद्या कि यशोधन ने चिराग के ऊपर क्या क्या मेंटल टॉर्चर किए होंगे। असलियत क्या है हम नहीं जानते, पर जो जख्म चिराग ने माँ के हाथों पर दिए उसके लिए हमें उनसे माफी मांगनी होगी। पर चिराग है कहाँ? अपने कमरे में बहुत मुश्किल से सोया है, सोने दीजिए उसे। सरदर्द को मिटाने की जरूरत है।